आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। हर किसी जीव के अंदर उस परमपिता परमेश्वर का वास है। 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं जिसके अंदर उस परम चेतन सत्ता की रोम रोम एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो विराजमान नहीं है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर उसका वास नहीं है। ऐसी कोई जड़ चेतन वस्तु नहीं जहां वो व्याप्त नहीं है। लेकिन हम उसकी खोज करते करते बाहर की ओर भ्रमित होने लगे और उसको भूल करके इस शरीर के अंदर ही अटक के रह गए। बड़ी भूल हुई है इंसान से। बहुत गहराई में जा करके भी, गहराई में उतर करके भी उस गहरे तत्व को भूल गया है और उस कारण से बिछुड़ते चले गए, दूर होते चले गए हम उस परम चेतन सत्ता से जो आप सबके अंदर विराजमान है। बड़े आश्चर्य की बात है, हम अपनी परछाई से भी दूर नहीं हो पाते। परछाई भी हमारा साथ नहीं छोड़ पाती, लेकिन हम समय को ही भूल गए। जो बाहर की वस्तु है जिसका कारण प्रकाश है, प्रकाश के कारण से परछाई पैदा होती है, शरीर के कारण से परछाई पैदा होती है, प्रकृति के कारण से परछाई पैदा होती है, लेकिन वो जो न कभी पैदा होता है न कभी नष्ट होता है, हम उस तत्व को भूल गए। कारण क्या रहा? कारण भ्रमित होने का है, कारण भ्रमना का है, कारण भूल का है। कहीं न कहीं हमसे गलती हुई है, इस कारण से हम उस परमात्मा से दूर होते चले गए। हम छू सकते हैं अपने को, लेकिन शरीर को भी छू पाएंगे, उस ब्रह्म चेतन को नहीं छू पाएंगे। हम देख सकते हैं, ये आंखें जितनी भी हैं देख सकती हैं, लेकिन एक दायरे तक, एक सीमा तक। उस सीमा से परे ये आंखें नहीं देख पाएंगी। या तो इन आंखों के इतना नजदीक कर दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल इतना पास कर दिया जाए तो भी ये आंखें नहीं देख पाएंगी, या फिर इन आंखों से बहुत दूर कर दिया जाए तो भी ये वस्तु आंखों से ओझल होती चली जाएगी। आंखें बाहर की वस्तु तो देख सकती हैं, ये जो कान है ये बाहर के शब्द तो सुन सकते हैं, लेकिन जो अंदर में शब्द पैदा होता है उसकी ओर नहीं मुड़ पा रहे। चाह के भी उस ओर कोशिश नहीं हो पा रही। आंखें भी वही देख पा रही हैं जो प्रकृति है, उस परम चेतन पुरुष की ओर कोई नहीं देख पा रहा। हम जितना जिसके भी नजदीक होते हैं उससे उतना ही दूर होते चले गए। जो हमारे साथ पाप में भी था, पुण्य में भी था, स्वर्ग में भी था, नरक में भी था, अच्छे कार्य में भी था, हमेशा जो आपके साथ रहा, मैं तो ये भी कहूंगा कि साथ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर साथ कहूंगा तो वो दूसरा हो जाएगा। आप स्वयं ही उसके गवाह हो, आप स्वयं ही उसके साक्षी हो, आप समय ही वो चेतन सत्ता हो जिसको भूल गए हो। ये आंखें मर्यादा में है, बांध दी गई है प्रकृति के अंदर। जो भी इंद्रियां हैं सब की सब बांध दी गई है, लेकिन वो जो न कभी पैदा होता है न कभी नष्ट होता है, वो इस मर्यादाओं से परे है, सब बंधनों से परे है, जिसकी हम बाहर की ओर खोज करते रहते हैं, अंदर में नहीं उतर पा रहे, चाह करके भी नहीं उतर पा रहे। हमने भी बहुत कोशिश
समय को समय से मिला दिया जाए। बहुत लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि किसका भजन करें। कई बार तो हम इतना कह देते हैं कि समय का भजन करो, समय की खोज करो। जब समय की खोज हो जाएगी तो सबकी सब खोज पूर्ण हो जाएगी, और जब तक समय की खोज नहीं होगी हम अपने आप को ही नहीं खोज पाएंगे तो दूसरे का कैसे पता लगा सकते हैं। जो सदा से हमारे साथ है, साथ में नहीं आप ही हो, जो समय ही है सदा से, उसको भी इतने नजदीकता के कारण हम उसको भूल बैठे हैं। इतनी नजदीकता के कारण हमसे भूल हुई है। जो ज्यादा नजदीक तत्व होता है उसको भूल भूल भ्रम हो जाता है, भूल हो जाती है, उसको जानना भी कठिन हो जाता है। या तो कोई तत्व बहुत ज्यादा दूर हो उसको भी बड़ी मुश्किल से जाना जाता है, या थोड़ा नजदीक हो तो उसे भी जाना जा सकता है, या कोई तत्व इतना करीब आ जाए उसको भी नहीं जाना जा सकता, वहां भी भ्रम होता चला जाएगा, वहां भी भूल होती चली जाएगी। जिस प्रकार से आप सागर को लो, सागर के अंदर इतनी मछलियां पैदा होती हैं, सागर के अंदर ही उनका भोजन है, सागर के अंदर ही उनका जीवन है, सागर के अंदर ही वो उत्पन्न होती हैं, तो सागर के अंदर ही उनका जीवन है। जब तक चलता रहेगा, जब तक वो सागर के अंदर है, जो ही सागर से दूर हुई उनका जीवन नष्ट होता चला जाएगा, तो सागर के अंदर ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो भी वो सागर को नहीं जान पाती। सागर के अंदर रहने के बाद भी हर पल सागर में है जो तत्व, उसी को नहीं जान पा रहे। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य होता है। उसी मछली को हम अगर बाहर फेंक देते हैं भूख के अंदर, उस तपती रेत के अंदर, गर्मी के अंदर, तब उनको उस सागर का एहसास होता है कि सागर क्या तत्व है, वहीं से तो उनका जीवन जुड़ा हुआ है। अगर सागर से बाहर गए तो पता चलेगा क्या जीवन है, छटपटाती है, तड़पती है, किस कारण से कि सागर के पास चली जाए। क्रुंदन होता है, बड़ा छटपटाहट होती है जब प्राण शरीर से दूर होने लगते हैं, फिर उन्हें वह सागर ही सागर नजर आने लगता है, और फिर बार बार सागर की ओर भागने का प्रयत्न करती है। फिर उसको न जाने दिया जाए तो वो प्राण भी छोड़ देती है, जो या फिर उसको उठा करके अगर सागर के अंदर डाल दिया जाए फिर उसे कभी भी भूल नहीं होती, उसे सदा ध्यान रहता है,